देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड लास्ट पार्ट। देखिए कहता है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। देखिए, रूही जो ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर, मतलब वो अपने घर तक पहुंचती है, उसके घर का डिस्टेंस जो है जहां से भी वो आ रही है 300 किलोमीटर है, ठीक है ना। और वो जो सफ़र है वो ट्रैवल करती है ट्रेन से भी और बस से भी, आधा ट्रेन से आधा किसे बस से। देखिए कहता है, शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। कहता है उसको 4 घंटे लगेंगे अगर वो क्या करती है 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी बचा हुआ जो है वो चलती है किसे बस से। देखिए 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से चल रही है तो बाकी कितना बचा हुआ है, 300 पूरा है, 300 पूरा है, 300 माइनस 60 करेंगे तो 240 बचेगा, मतलब 240 किलोमीटर वो ट्रेवल करिए किससे, बस से, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है एंड द रिमेनिंग बाई बस, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 300 पूरा था, 300 में से 100 निकालेंगे तो 200 बचेगा, ठीक है ना। उस वक्त उसको 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, मतलब 4 घंटे और 10 मिनट लगेंगे उसको, ठीक है ना। कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, स्पीड निकालनी है ट्रेन की भी और बस की भी। देखिए आप क्वेश्चन में देखें, जो चीज़ आपको फाइंड करने के लिए दी है उसी को आपने क्या करना है, लेट करना है, ठीक। तो देखिए लेट करते हैं हम एक्स किलोमीटर, लेट करते हैं एक्स किलोमीटर पर आर बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, ये स्पीड एक्स की ट्रेन की, एंड वाई किलोमीटर पर आर बी द स्पीड ऑफ बस, ठीक है, एक ट्रेन की स्पीड है और एक इसकी है बस की स्पीड है, ठीक है। देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखें आप, पहले वो क्या कर रही है 60 किलोमीटर, देखिए एक वो ट्रेन से, यहाँ पे आप समझें, एक वो कर रही है किससे, ट्रेन से, फिर कर रही है प्लस किससे, ट्रेन से कर रही है और बस से कर रही है, जो ट्रैवल कर रही है वो ट्रेन से कर रही है और बस से कर रही है, ठीक है। देखिए जब वो क्या कर रही है, और यहाँ पे एक चीज़ आपने ये भी ध्यान रखनी है कि स्पीड जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम के बराबर होता है, ये भी अपने ध्यान में रखना है, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जब वो क्या कर रही है 60 किलोमीटर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक, 60 किलो जब वो ट्रैवल करेगी तो बाकी, देखिए 60 किलोमीटर जो कर रही है वो किससे कर रही है, ट्रेन से कर रही है, बाकी बचा हुआ जो वो बस से कर रही है, तो कितना बचा हुआ है, वो है हमारे पास कितना, 240 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए ये है डिस्टेंस, ये है क्या, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपान स्पीड इज इक्वल टू टाइम, यहाँ से आप डिराइव करना है इसी फार्मूले को, ठीक है ना। डी को अगर आप क्या करते हैं, यहीं पे रखते हैं, ठीक है ना, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए डिस्टेंस 60 किलोमीटर अपन स्पीड, तो स्पीड जब ट्रेन की क्या है, वो है हमारे पास क्या, एक्स, तो क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर प्लस जो बस की स्पीड है वो क्या है, वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये है डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक है ना, स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको, वो लग रहा है उसको 4 आवर्स, कितने लग रहे हैं 4 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज़ को, आप देखेंगे यहाँ से किलोमीटर, विच इम्प्लाइज किलोमीटर अपान किलोमीटर पर आवर, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, वो बचेगा 60 अपान एक्स प्लस 240 अपान वाई, ठीक है, इस इक्वल टू 4 आवर्स। देखिए यहाँ से ये किलोमीटर, किलोमीटर क्या जगह कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये जो, ठीक है ना, और ये, और ये क्या जगह कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, विच इम्प्लाइज 60 अपान एक्स प्लस 240 अपान वाई इज इक्वल टू 4, ये रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो रहा है, सेम है, ट्रेन से भी है और बस से भी है, जब वो क्या करेगी 100 किलोमीटर चलेगी किससे, ट्रेन से, तो 100 किलोमीटर कितना है, ये होगा हमारे पास 100, अब मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है ना, 100 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बचेगा कितना 200 अपॉन कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इस इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने समझ लिया है, यहाँ पर उसको 4 घंटे भी लग रहे हैं,
फोर और प्लस देखें हम उसको, उसको 10 मिनट ज़्यादा लग रहे, कितने मिनट लग रहे, 10 मिनट ज़्यादा, ठीक है ना। तो 10 मिनट्स आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक है ना। 60 मतलब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या आवर्स है, ठीक है। तो 1 मिनट अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/60 आवर, ठीक है ना। हमें कितना 10 मिनट को कन्वर्ट करना है, तो 10 मिनट 10 × 1/60 है ना, ये ज़ीरो क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 आवर होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 4 + 1/ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा कितना, 24 + 1 करें 25/6 है ना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम क्या करें, हमने क्या किया इसको सिमिलरली, अब सेम ऐसे लिए, ठीक है ना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो 25/ क्या आया हमारे पास, 6 आया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसको, इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है ना। लेट करते हैं हम क्या, 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू बी, वी गेट। तो देखिए इसमें आप पहले देखना आपने, इसमें ठीक है, 1/x तो कितना हो जाएगा, 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, ये रहे हमारे पास कौन सी, फर्स्ट, ठीक है। उसी तरह से क्या इसमें भी डालना है, ठीक है ना, इस वाली में। तो क्या हो जाएगा, 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इस 6 को इधर ले आते हैं, ठीक है ना, 6 इधर आ जाएगा, अंदर क्या होगा, 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25, विच इम्प्लाइज 100 × 6 करेंगे कितना होगा, 600a प्लस 2 × 6 करेंगे कितना होता है, 1200b इज इक्वल टू 25। ये रही हमारे पास कौन सी, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए आप किसी भी अल्जेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं आप, ठीक है ना, कोई भी आप मेथड लगाएं, ठीक है ना। तो उसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट, ये हमारे पास कौन सी, सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 10 एंड इक्वेशन सेकेंड by 1, वी गेट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हमने क्या करना होता है, सेम करना होता है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से, 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 10 × 4। तो 10 × 60 करेंगे कितना होता है, 600a प्लस 2400b इज इक्वल टू 10 × 4 = 40, ये रहे हमारे पास कौन सी, थर्ड। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को 1 से, तो वही आएगा हमारे पास क्या, मतलब कर लेते हैं, चलिए 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 1 × 25। तो हमारे पास क्या निकलेगा, 1 को मल्टीप्लाई करने पे वही वापस आता है, प्लस 1200b इज इक्वल टू 25, ये रही हमारे पास कौन सी, फोर्थ, ठीक है। क्या करेंगे अब हम, देखिए फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना हमें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वी गेट। तो थर्ड के हमारे पास 600a प्लस 2400b माइनस 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू, देखिए 40 − 25, ठीक, विच इम्प्लाइज 600a प्लस 2400b माइनस 600a माइनस 1200b इज इक्वल टू, 40 − 25 करेंगे कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, विच इम्प्लाइज, देखिए ये प्लस का 600 है, ये माइनस का 600 है, ठीक है। अब देखिए 2400 माइनस 1200 करेंगे कितना होता है,
1200 बी इज इक्वल टू 15, ठीक है, विच इम्प्लाइज, देखिए बी इज इक्वल टू 15 अपन कितना हो जाएगा 1200। अब आप देखें तो यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड हो गई, ठीक है, 5 से कर लें, 5 3 जा कितना होता है 15, और 5 2 जा कितना होता है 10, 5 4 जा कितना होता है 40, है ना, और यह 0 होगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा कितना होता है 24, और साथ में 0, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 1/80। बी हमारे पास कितना है 1/80 आया, पुट करेंगे हम क्या, बी इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वही गेट। तो बी की वैल्यू निकली हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास है क्या 60A + 240 इंटू बी, बी कितना हमारे पास, बी हमारे पास 1/80 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जीरो क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और 8 1 सर 8 8 3 सर 24, तो कितना होगा 60A + 3 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ही रहेगा, इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज 60A इज इक्वल टू 4 है, ये प्लस का 3 जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 3, मतलब 4 - 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू कितना होगा 1/60 होगा, ए हमारे पास कितना होगा 1/60। देखिए सिंस 1/x को हमने ए माना हुआ था एंड 1/y को हमने क्या माना हुआ था बी माना हुआ था, विच इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू ए, ए कितना हमारे पास अभी निकला 1/60, ठीक है, एंड 1/y इज इक्वल टू बी, बी हम देखिए ए अभी हमारे पास 1/60 निकला है और बी हमारे पास कितना 1/80 है, तो देखिए इक्वल टू में ऊपर वाली सामने सामने इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, मतलब ये हुआ कि एक्स हमारे पास कितना निकला 60 एंड यहाँ पर इसके सामने क्या है 80 है, तो वाई इज इक्वल टू कितना निकला हमारे पास 80, ठीक है, 4 60 km/h बी द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड 80 km/h बी द स्पीड ऑफ बस, ठीक है ना, और वाई को हमने क्या माना था बस की स्पीड, ठीक है ना, तो इस तरह से वो हमारे पास कौन सा इसका ये लास्ट पार्ट भी कंप्लीट, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना, अगर आपको ये अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, ठीक है ना, तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं, इतना ही।